हेलो, माय नेम इज़ तबरेज़ अख्तर। दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम पेज नंबर 129। हियर वी हैव द टॉपिक फाइंडिंग डायरेक्शंस। ठीक है, बट लेट्स टॉक अबाउट द प्रीवियस टॉपिक टू टू एंड्स ऑफ अ बार मैगनेट पोल्स ऑफ अ मैगनेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स। ट्राई एंड ब्रिंग फ्यू मैगनेट्स ऑफ डिफरेंट शेप टू द क्लास रूम। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑन दीज मैगनेट्स यूजिंग आयरन फिलिंग्स। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स इन द काइंड ऑफ मैगनेट्स शोन इन फिगर 13.4। तो 13.4 में एक फिगर दिया हुआ है जिसमें आयरन फिलिंग्स जो रखी थी, यानी छोटे छोटे टुकड़े छीलन लोहे की रखी थी, उसको जैसे ही मैगनेट में हमने चिपकाया तो सारे जो छोटे छोटे जो पाउडर टाइप की आयरन था यानी लोहा था, वो चिपक गया किसमें, मैगनेट में। और वो ज़्यादातर दोनों साइड पे चिपका और दोनों साइड हमें ये बताती हैं कि वो उसके पोल हैं, यानी थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर पे, है ना। तो ऐसा चिपकने से पता चला कि ये दो अलग अलग पोल हैं। और ये पोल क्या होते हैं हमें अभी पता करना है। एक पोल होता है जिसको हम साउथ कहते हैं और एक को कहते हैं नॉर्थ। ठीक है, मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम। तो मैग्नेट्स लोगों को बहुत पहले से पता है मैग्नेट के बारे में। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू देम। बहुत सी प्रॉपर्टी भी लोगों को पता थी मैग्नेट की। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेज ऑफ मैग्नेट। तो आपने बहुत सारी स्टोरीज भी पढ़ी हुई है अबाउट द यूजेज ऑफ मैग्नेट। सम ऑन सच स्टोरी इज़ अबाउट एन एम्परर इन चाइना, और जैसे कि चाइना के एम्परर के बारे में, नेम्ड हुआंग ताई। हुआंग ताई नाम था उसका। इट इज़ सेड दैट ही हैड अ चैरियट विद अ स्टैचू ऑफ अ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। तो एक राजा था चाइना का जिसका नाम था हुआंग ताई। हुआंग ताई जो था उसके पास कुछ इस टाइप का एक घोड़े में जो बग्घी लगी होती है वो थी। ठीक है, जिसमें एक छोटी सी स्टैचू थी, एक फीमेल की स्टैचू थी उसके ऊपर रखी हुई थी। ठीक है, और वो घूम सकती थी किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद है, इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ इट वॉज शोइंग द फिगर। तो एक हाथ वो आगे की तरफ बढ़ाई हुई थी जैसे कि आपने फिगर में देखा। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। तो उस स्टैचू में एक प्रॉपर्टी थी, इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स साउथ। तो इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स राइट। तो कुछ इस टाइप से रखा हुआ था वो, कि उसका जो आर्म्स जो फैला हुआ था, एक्सटेंडेड जो हाथ अपने बढ़ाए हुए थी, वो जो है साउथ की तरफ ही इशारा कर रहा था। बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैचू द एम्परर वॉज एबल टू लोकेट डायरेक्शन वेन ही वेंट टू न्यू प्लेस ऑन हिज चैरियट। तो इससे वो डायरेक्शन का पता लगाता था राजा, और पता कर लेता था कि हमें अब किस डायरेक्शन में जाना है या अभी किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। जब भी वो कहीं नई जगह जाता था तो डायरेक्शन का पता यहीं से लगाता था। ठीक है, लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडर फॉर आवर सेल्स। तो इसी टाइप का डायरेक्शन फाइंडर चलिए हम भी बनाते हैं। ठीक है, टेक अ बार मैग्नेट। अगर एक बार मैग्नेट आप लेते हैं, ठीक है, पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड ऑफ फॉर आइडेंटिफिकेशन। उसके एक एंड में आप कुछ मार्क लगा दीजिए जिससे पता चल जाए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई मार्क लगा दिए। नाउ टाई अ थ्रेड एट द मिडिल ऑफ द मैग्नेट। और उस मैग्नेट के मिडिल में आप एक धागा बांध दीजिए।
मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली, और ये भी ध्यान रखिए कि मैग्नेट जो है रोटेट हो पाए, फ्रीली रोटेट हो पाए, ठीक है। लेट इट कम टू रेस्ट, अब उसके बाद क्या किया जाए कि उसको रेस्ट पे रख दिया जाए। मार्क टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजीशन ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, और उसके नीचे जस्ट नीचे जो है फ्लोर पे आप क्या कर दीजिए, ग्राउंड में उसकी पोजीशन पता लगाने के लिए कुछ मार्क बना दीजिए, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है, टू शो द पोजीशन ऑफ द एंड्स, तो उसकी जो जो आपने हवा में लटकाया हुआ उसके दोनों एंड्स को बताने के लिए आप ग्राउंड में क्या कीजिए, ग्राउंड में मार्क लगा दीजिए कि एक एंड जो है इस तरफ शो हो रहा है और एक एंड जो है इस तरफ शो हो रहा है। उसके बाद क्या कीजिए, द पोजीशन ऑफ एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, ठीक है। और जब आपने नीचे एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली जिससे ये पता चले कि उसके दोनों एंड जो है वो किस तरफ को शो कर रहे हैं, तो ये एक तरफ आपने ये ड्रॉ किया था, एक दूसरी तरफ आपने ये अगर ड्रॉ किया था, हम इन दोनों को मिला दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये उसकी डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये इस तरफ की है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही क्या करेंगे कि आप जो लटका हुआ है मैग्नेट उसको एक तरफ से आप पुश करेंगे, धक्का देंगे, तो वो गोल गोल घूमेगा, यानी उसको गोल घुमाइए, ठीक है। नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड, एक तरफ का एंड जो है, एक तरफ का एंड पुश करके आपको उसको घुमाना है, और घुमाने के बाद जब वो रुक जाए तो आप देखिए कि अब वो किस पोजीशन में है, और जिस पोजीशन में हो उसको उस पोजीशन की मार्किंग कर लीजिए फिर से ग्राउंड में, ठीक है। और उसके बाद फिर घुमाइए और फिर देखिए कि अब वो किस पोजीशन में रुक रहा है, और जिस पोजीशन में रुक रहा है उसकी मार्किंग कर लीजिए। तो आपने जब 3-4 बार घुमा के देखा और उसकी पोजीशन चेक की, तो आपको क्या ये पता चला कि हर बार वो सेम पोजीशन पे रुक रहा है या अलग अलग पोजीशन पे रुक रहा है, ठीक है। नाउ यू कैन गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू इन द यूरोप एम्परर्स चैरियट, तो वो हमेशा जितनी बार घुमा रहे हैं और उसके बाद जब वो रुक रहा है तो उसी डायरेक्शन उसी मार्किंग के अलॉन्ग ही रुक रहा है जो आपने पहले ही बना रखी है, तो बिल्कुल उसी लाइन के बराबर या फिर जो आपने मार्किंग की है उसी की मार्किंग के अकॉर्डिंग ही रुक रहा है जो आपने फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग की थी, ठीक है। तो इससे पता चला कि जो राजा था वो भी किस तरीके से वो स्टैचू लगा के रखा था कि हर बार वो स्टैचू साउथ की डायरेक्शन ही बता रहा था। रिपीट दिस एक्टिविटी विद एन आयरन बार, ठीक है, एंड अ प्लेस प्लास्टिक और अ वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ अ मैग्नेट। रिपीट दिस एक्टिविटी विद एन आयरन बार, एक आयरन बार के साथ ये एक्टिविटी कीजिए, एंड अ प्लास्टिक और वुडन, या फिर किसी लकड़ी या किसी प्लास्टिक की स्केल या प्लास्टिक की चीज़ कैसे कीजिए। डू नॉट यूज़ लाइट ऑब्जेक्ट फॉर दिस एक्टिविटी एंड अवॉइड डूइंग इट वेयर आर द करेंट्स ऑफ एयर, तो ऐसी जगह पे ये ऐसी एक्टिविटी नहीं कीजिए जहाँ पे हवा चल रही हो, क्योंकि वो हवा से हिलेगा, रुक नहीं पाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू द अदर मटेरियल्स ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन, क्या बाकी मटेरियल को आपने जब यूज़ किया लकड़ी और प्लास्टिक वगैरह को, तो जैसा मैग्नेट एक ही डायरेक्शन पे रुक रहा था क्या वो भी रुकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, सिर्फ मैग्नेट में ही ये क्वालिटी होती है। वी फाइंड दैट द फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो हमने ये देखा कि जो मैग्नेट होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन पे रुकता है और वो एक ही डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है, अगर उसको फ्रीली छोड़ दिया जाए, यानी ऐसा फ्री तरीके से लटकाया जाए जिससे उस पर कोई फोर्स ना लग रहा हो, तो वो आपको डायरेक्शन बता देता है। विच इज़ नॉर्थ एंड साउथ, दो डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ और साउथ, यानी उसका एक एंड नॉर्थ की तरफ रुकता है, दूसरा एंड साउथ की तरफ रहता है हमेशा, ठीक है। वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट
टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ यूजिंग द सन ऑफ और फाइंडिंग डायरेक्शन मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट बट इट विल हेल्प टू मेक. इस टाइप से हमें पता चलता है कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मैग्नेट बताता है. ठीक है, इसकी वजह से हम कंपास भी बना सकते हैं. कंपास ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम दो डायरेक्शन जो है पता कर सकते हैं. दो से हम चार डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें नॉर्थ और साउथ पता है तो इससे हम पता कर सकते हैं ईज़िली कि ईस्ट और वेस्ट क्या होगी. क्योंकि अगर मैं आपको नॉर्थ और साउथ बता दूँ तो आप अपने आप ही बता दोगे कि बची दो जो है वो ईस्ट और वेस्ट होगी. ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर जैसे कि आपके ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो आप बता दोगे कि बची हुई जो डायरेक्शन है वो क्या होगी. ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा. ठीक है, तो इस टाइप से हम बाकी की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं अगर हमें दो डायरेक्शन पता हो तो. ठीक है, तो इस टाइप से हम कंपास भी बनाते हैं. और कंपास क्या का क्या यूज़ होता है, डायरेक्शन बताने का ही यूज़ होता है. ठीक है, और द एंड ऑफ अ मैग्नेट डेट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड. तो जो दो एंड होते हैं किसी मैग्नेट के, पहला एक एंड होता है नॉर्थ सीकिंग एंड, यानी जो नॉर्थ का डायरेक्शन बताता है, और दूसरा होता है साउथ सीकिंग एंड या फिर साउथ पोल. तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो उसके एंड होते हैं किसी भी मैग्नेट के. ठीक है, ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स वॉट एवर देयर शेप मे बी. किसी भी शेप का कोई भी मैग्नेट हो उसके दो पोल होते ही हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ. ठीक है, आर मार्क्ड ऑन द मैग्नेट्स. ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, फॉर सेंचुरीज ट्रैवलर्स हैव बीन मेकिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन. तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट जो है डायरेक्शन को बताने के लिए बहुत काम में आती है. ठीक है, डायरेक्शन को बताने के लिए बहुत काम में आती है. और ये डिवाइस जो है, इससे हमने कंपास की डिवाइस बनाई है. ये एक डिवाइस है कंपास, आपने देखा होगा. ये कंपास जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन बताने के काम में आता है. हो सकता है कि आपके पास हो, आपके बॉक्स में कभी कभी मिलता है, कभी कभी घड़ी में कंपास लगा होता है. तो इस टाइप से बहुत कई जगह पे आपने हो सकता है कि कंपास देखा हो जिसमें एक सुई लगी रहती है अंदर, और वो हिलती है जब आप किसी उस कंपास को, यानी इस डिवाइस को जब घुमाओगे तो ये अंदर की सुई हिलती है. ठीक है, अब आते हैं मेक योर ओन मैग्नेट. ठीक है, अब हमें खुद का मैग्नेट बनाने के लिए क्या करना है. देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स, लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन. टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन. सबसे पहले एक आयरन लीजिए, यानी एक लोहा लीजिए. प्लेस इट ऑन द टेबल और उसको टेबल में रखिए. नाउ टेक अ बार मैग्नेट, और अब उस बार मैग्नेट लीजिए, जो कि बार मैग्नेट आपको मिल जाएगा. घर में तो नहीं होगा, स्कूल में होता है या फिर मार्केट में मिलता है बार मैग्नेट, यानी एक बार के जैसा होता है, इस तरीके से मैग्नेट होता है. ठीक है, उसके बाद आप बार मैग्नेट लीजिए एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल्स नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन. तो उसका एक पोल जो है किसी जो आपने आयरन का टुकड़ा लिया या आयरन का बार लिया उससे चिपका दीजिए. विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार. ठीक है, अब बार मैग्नेट को बिना लिफ्ट किए, यानी बिना उठाए, इसको मूव करना है अलोंग द लेंथ ऑफ आयरन बार. आयरन बार की लेंथ के अलोंग आपको मूव कराना है. ठीक है, मूव कराना है, समझ में आई बात. उसके बाद नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल एज सेम पोल यू स्टार्टेड विद. ठीक है, टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन. ठीक है, अब मैग्नेट को लिफ्ट करना है और अब उस पोल वापस उस पोल में जाना है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था.
ठीक है, लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल द सेम पोल यू स्टार्टेड विद टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगिन. मूव द मैग्नेट अगेन अलॉन्ग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर. रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30 to 40 टाइम्स. तो ये जो है इस बार क्या करना है कि बार 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 आपको कुछ इस टाइप से आपको मैग्नेट जो है घिसना है. पहले यहाँ तक घिसते ले जाना है, फिर उठा के फिर वापस यहाँ पे लाना है, फिर घिसना है. 30 से 40 बार करने के बाद आपको क्या होगा कि पता चल जाएगा कि ये मैग्नेट बना कि नहीं. अगर ये मैग्नेट बन गया होगा तो किसी आयरन पिन को या किसी चीज़ को इससे चिपका के देखिए, किसी लोहे की चीज़ से अगर वो चिपक रहा है तो ये आयरन बन गया, ये मैग्नेट बन गया. अगर नहीं बना तो आपको यही प्रोसेस और रिपीट करनी है. ठीक है, 10-20 बार और रिपीट कीजिए यही प्रोसेस और देखिए कि क्या आप बन गया कि नहीं. तो आप ऐसा करते रहेंगे और देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो लोहे का टुकड़ा था, जो आयरन स्ट्रिप थी, वो एक मैग्नेट बन गई है. ठीक है, नाउ यू नाउ नो हाउ टू मेक अ मैग्नेट. वुड यू लाइक टू मेक योर ओन कंपास. तो क्या आप अपना खुद का कंपास बनाना चाहते हैं. एक्टिविटी सिक्स में हम खुद का कंपास बना सकते हैं. कंपास इन कप. इसमें क्या करना है, मैग्नेटाइज एन आयरन निडल यूजिंग अ बार मैग्नेट. किसी बार मैग्नेट से इसी तरीके से मैग्नेटाइज करना है किसी निडल को, एक निडल को यानी एक सुई को. फिर उसके बाद निडल थ्रो अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क. ठीक है, निडल थ्रो अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और फोम. अब उसके बाद उस निडल को किसी कॉर्क में डाल देना है या किसी फोम में बीस से डाल देना है. देखो ये बनी हुई है और बीस से किसी कॉर्क में डली हुई है. उसके बाद लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर. अब इस कॉर्क को पानी में बहने दीजिए. ठीक है, ये इस टाइप से पानी में रख दीजिए. मेक श्योर दैट द निडल डज नॉट टच द वाटर. और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो निडल जो है वो वाटर को टच ना करे. ठीक है, योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क. मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग. रोटेट द कॉर्क विद द निडल फिक्स्ड इन इट इन डिफरेंट डायरेक्शन. नोट द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क बिगिंस टू फ्लोट अगेन विदाउट रोटेटिंग. दस द निडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन. तो इस बार ऐसे ऐसे घुमा घुमा के देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो निडल जो है वो हर बार एक ही डायरेक्शन को बता रही है. इससे पता चल जाता है कि ये जो है एक कंपास बन चुका है. ठीक है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स. मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है. अट्रैक्शन मतलब खिंचाव यानी चिपका लेना, और रिपल्सन यानी दूर फेंकना यानी अपने से दूर भगाना. ठीक है, अब रिपल्सन और अट्रैक्शन क्या होता है. टेक टू स्मॉल टॉय कार्स. दो टॉय कार लीजिए और टेक टू स्मॉल टॉय कार एंड लेवल ए एंड बी. प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द टॉप ऑफ ईच कार अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड फिक्स देम विद रबर बैंड्स. ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेट लगा के उसको रबर बैंड से फिक्स कर दीजिए. ठीक है, उसके बाद इन कार ए डू अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, इस तरीके से क्या कर रहे हैं कि देखिए ये ऊपर हमने बार मैग्नेट लगा के रखे हैं दो कार के. ठीक है, टॉय कार के. और उसके बाद अच्छा उसका एक पोल जो है वो नॉर्थ पोल है और एक पोल जो है वो साउथ पोल है. ठीक है, तो अगर ये नॉर्थ साउथ में रखा हुआ है तो ये वाला जो है वो साउथ नॉर्थ में रखा हुआ है. ये वाला साउथ और नॉर्थ में रखा हुआ है. जब ऐसे गाड़ी एक दोनों एक पास में रखते हैं तो क्या होता है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व. डू द कार रिमेन एट द प्लेस. डू द कार्स रन अवे फ्रॉम ईच अदर. डू दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. तो अब इस टाइप से अरेंजमेंट करने पे क्या हो रहा है कि क्या दोनों कार एक दूसरे की तरफ खिंची चली आ रही हैं या दोनों कार एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, क्या हो रहा है, या फिर कुछ नहीं हो रहा है, खड़ी हुई हैं दोनों कार अपनी जगह पे. ठीक है, यही चीज़ आपको टेबल में ऑब्जर्व करना है और लिखना है. और उसके बाद यही आपको इस टाइप का अरेंजमेंट बना के करना है. इसमें क्या करना है, अब जो मैग्नेट के पोल हैं वो सेम रखने हैं, यानी इस तरफ लाल रखे हो
तो इस तरफ भी लाल वाला हिस्सा सामने रखो और लाल वाला लाल वाला दोनों का हिस्सा सामने रखो। तो अब क्या हो रहा है, ये रेड वाला हिस्सा सामने है यानी एक सेम पोल, और ये सेम पोल है दोनों, और ये डिफरेंट पोल है, ये डिफरेंट पोल है। तो डिफरेंट पोल में क्या हो रहा है, कार जो है दूर जा रही है या इसमें दूर जा रही है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाय सस्पेंडिंग अ मैग्नेट एंड ब्रिंगिंग वन बाय वन द पोल्स ऑफ अनदर मैग्नेट नियर इट, ठीक है। तो व्हाट अबाउट अपोजिट पोल्स, डू दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। तो अपोजिट पोल में क्या होता है, क्या वो अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं, ठीक है। तो जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, और जो अपोजिट पोल होते हैं यानी नॉर्थ और साउथ वाले, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ हमें मैग्नेट से पता चली। अ फ्यू कॉशन, कुछ चीज़ ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। क्या है, मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टी इफ़ दे आर हीटेड। अगर मैग्नेट को गर्म किया जाए तो वो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं, यानी किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी जो मैग्नेट में होती है वो खो देते हैं, यानी किसी मेटल को अट्रैक्ट करने की। हैमर और ड्रॉप, अगर उसको मारा जाए, हैमर से मारा जाए या ड्रॉप कर दिया जाए बहुत ऊंचाई से, या ऑल्सो मैग्नेट बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली। और अगर उसको अच्छे से नहीं रखा जाता है तो वो मैग्नेट वीक हो जाते हैं, यानी वो अब खींचने की पावर उनकी कम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स, ठीक है। तो मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स, तो अपने उसके अनलाइक पोल्स के पेयर्स में रखना चाहिए। स्टोर योर मैग्नेट सेफली, ठीक है। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड, और उसको किसी पीस ऑफ वुड से सेपरेट करके रखना चाहिए। देखो ये जैसे ये रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाई पीस ऑफ वुड वाइल टू पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स, ठीक है। या कुछ इस टाइप से भी हम रख सकते हैं कि किसी, इसमें क्या हो रहा है, सॉफ्ट आयरन को है इसके बीच में लगा के रख दिया, ठीक है। ठीक है, उसके अक्रॉस में लगा के रख दिया, यानी जो आपका जो मैग्नेट है, इस टाइप का मैग्नेट है, अगर इस टाइप का मैग्नेट है तो उसके पोल्स में आपने एक सॉफ्ट आयरन लगा दिया, ठीक है। अब फॉर हॉर्स शू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल, ठीक है। और जैसे कि इसमें इसमें दोनों तरफ जो है सॉफ्ट आयरन यहाँ पे भी लगा हुआ है, और ये हॉर्स शू मैग्नेट है। हॉर्स शू मैग्नेट यानी हॉर्स के शू जैसा ये दिखता है, घोड़े की नाल जैसे दिखता है, इसलिए हॉर्स शू मैग्नेट है। इसके पोल्स को भी किसी सॉफ्ट आयरन से बचा के चिपका के रखना चाहिए। वन शुड कीप द पीस ऑफ सॉफ्ट पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स, ठीक है। अब कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट, मोबाइल्स, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड कंप्यूटर। तो इस टाइप की चीज़ों से मैग्नेट को दूर रखना चाहिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती है उनसे मैग्नेट को दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसमें इसके अंदर भी कुछ ना कुछ मैग्नेट यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था आपके चैप्टर मैग्नेट के बारे में। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड किए जाएंगे, तो इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कीजिए और एक्सप्लेन भी किए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं, चलिए क्वेश्चन आंसर की कॉपी जो है मैं आपको अवेलेबल करा देता हूँ, और
जो भी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कीजिए। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद जो भी क्वेश्चन आंसर्स इसमें दिए हैं वो कंप्लीट कीजिए, और क्वेश्चन आंसर के जो डाउट हैं और जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मैं हमारी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देता हूँ। थैंक यू।